सब्सक्राइब करें बी न्यूज़ को और बेल आइकन दबाएं। काला हिरण मामले में सलमान खान को बेल मिलेगी या उन्हें जेल में ही वक्त गुजारना पड़ेगा इस पर कुछ देर बाद फैसला होने की संभावना है अगर सलमान खान को आज जमानत नहीं मिलती है तो उनके पास क्या विकल्प रहेंगे इस पर भी सलमान के वकील विचार कर रहे हैं हालांकि सलमान के वकील के उम्मीद है कि आज ही उन्हें राहत मिल जाएगी सलमान खान के वकील महेश बोरा ने कहा है कि वे आज ही जज साहब से कहेंगे कि फ़ैसला सुना दें दूसरी तरफ़ सुनवाई के बाद अगर सलमान ख़िलाफ़ के फ़ैसला आता है और उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे क्योंकि आज शनिवार है ऐसे में इस बात की संभावना है कि सलमान के वकील आज फ़ैसला खिलाफ़ आने की स्थिति में सोमवार को हाई कोर्ट जाकर जमानत की अपील कर सकते हैं यानी अभी भी इस बात की आशंका है कि सलमान को अभी और जेल के अंदर रहना पड़ सकता है हालांकि मामले की सुनवाई शुरू हो गई है ऐसे में कुछ वक्त बाद ही ये तय हो जाएगा कि सलमान को क्या राहत मिल पाएगी या उन्हें आगे उच्च अदालत का रुख करना पड़ेगा दरअसल इस पूरे केस में जजों के ट्रांसफर से सस्पेंस आ गया है शुक्रवार को जोधपुर सेशन कोर्ट के जज रविंद्र कुमार जोशी ने बेल पर सुनवाई की थी जिसके बाद उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था देर रात सतासी जजों का ट्रांसफर कर दिया गया जिसमें जोशी का नाम भी शामिल था जोशी का ट्रांसफर होने के बाद से ही इस बात को सस्पेंस था कि अब मामले की सुनवाई कौन करेगा हालांकि कोर्ट खुलते ही जज रविंद्र कुमार जोशी वहां पहुंच गए इस दौरान उन्होंने अपने चेंबर में सलमान खान को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाने वाले जज खत्री से करीब आधा घंटे तक मुलाकात भी की फिलहाल जज रविंद्र जोशी ही जमानत पर सुनवाई कर रहे हैं